हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग कैसे हैं? आज आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या क्या चीज़ें लेके आ गई हूँ आपके सामने। तो आज मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था ना कि मैं आपको कलीरे की बैंगल्स सिखाऊंगी बनाना, तो ये उस चीज़ के लिए मटेरियल है। कुछ मटेरियल अभी मैंने इसमें रखे नहीं है, तो वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। फिलहाल तो हमें कलीरे की बैंगल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है सीज़र, ये सिल्क थ्रेड है, ये मैंने आपको जब टैसल बनाना सिखाई थी ये मैंने आपको तभी सिखाई आई मीन दिखाई थी, ठीक है। और ये हमारी प्लेन बैंगल्स हैं, ये आपने देखी होगी। और ये फैब्रिक ग्लू है, ठीक है, इसका नाम हट गया, इसका नाम फैब्रिक ग्लू है, ठीक है। इसको साड़ियों वगैरह में स्टोन वगैरह पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हाँ, और मैं आपको अभी इस बैंगल पे जिनसे डिज़ाइन बनाने सिखाऊंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ उसका इस, तो वो मैं आपको इस पे कुंदन से डिज़ाइन बनाने सिखाऊंगी, ठीक है। पहले हम इस पे क्या करेंगे, इस पे हम सिल्क वाली जो ये थ्रेड है ना, सिल्क थ्रेड, इसको हम रैप करेंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद हम इस पे कुंदन से काम करेंगे, फिर मैं आपको इसमें कलीरे अटैच करके दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको कुंदन भी दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने कुंदन रख दी है, आप ये देख सकते हैं, ये स्क्वायर शेप में कुंदन, ठीक है, ऐसे एक साथ आपको अच्छे से दिख जाएगी, ये स्क्वायर शेप की कुंदन है। और ये है हमारी ये आई शेप बोल सकते हैं इसको, जैसा भी नाम दे दो, ये हमारी आई शेप कुंदन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। अभी हमें क्या करना है, ये थ्रेड लेनी है, जैसे मैंने टैसल में सिखाई थी ना आपको कार्ड पे रैप करके, तो आप इसे किसी की हेल्प से लंबी सी थ्रेड लपेट सकते हैं। मैक्सिमम आप 60 टाइम्स आपको इसको लपेटना है किसी की हेल्प से, कम से कम इसकी लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर। तो मैंने कार्ड लिया था इतना छोटा, तो आप किसी की हेल्प से 1 मीटर तक इसको लंबा खींच के लपेट सकते हैं। मैंने पहले से ही लपेट के रखा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ उसका साइज़ क्या है। वो मैंने लपेट रखा है ऐसे, और स्टार्टिंग में फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे ताकि ये बिखरे नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो उसकी वीडियो दोबारा बना के दिखा दूंगी। तो मैंने इतनी लंबी ले रखी है ताकि दोनों बैंगल में आसानी से लपेट सकूँ, ठीक है। तो ये इतनी लंबी होगी, मैक्सिमम ये 1 मीटर होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी कैप खोलनी है, जाहिर सी बात है इसकी कैप तो खोलनी पड़ेगी ग्लू निकालने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर हमें ग्लू लगानी है, ठीक है, आप देख सकते हैं इतनी से हमने इस पर ग्लू लगा ली। फिर जो पोर्शन हमने पेस्ट किया था उस पोर्शन को हमें इस पर नहीं, उसको नहीं रखना, हमें इसे आगे रखना है ऐसे करके, आप देख सकते हैं। मैंने इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर मैं इसको रखूँगी ना तो ये मोटा हो जाएगा, बाद में हम इसको पेस्ट करने के बाद कैंची से कट कर देंगे, इसलिए तो हमने कैंची रखी है। तो अभी हमें कुछ नहीं छेड़ना है इसको, पहले हम थोड़ा सा इसे रैप कर लेंगे। आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है किसी के हेल्प की, क्योंकि हमें खुद ही सीखना है, किसी के साथ तो नहीं सीख सकते ना हमेशा। तो इसलिए इसे आप देख सकते हैं ना मैं कैसे रैप कर रही हूँ, ऐसे करना है, जो हमने ये पेस्ट किया ना इसको हाथों से प्रेस करना है ऐसे करके। उसके बाद हमें इसको ऐसे प्लेन रखना है, देख सकते हैं प्लेन रख के फिर हमें इसके ऊपर रैप करना है। ओहो, मेरा तो सारा सामान ही फैला हुआ होता है। चलिए इसे मैं थोड़ा सा दूर रख देती हूँ, वरना इसमें फैल जाएगा सब कुछ, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखिए, वरना ये थ्रेड है ना लंबी, सबको ले जाएगी। तो ये हो गया, इतना सा आप देख सकते हैं। फिर इसको इसके ऊपर लेके जाइए, फिर से इसको ऐसे प्लेन, फिर इसको इसके ऊपर। आप चाहे तो बीच में रोक के यहाँ पे अंदर की साइड इसे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके हाथों से छूटे ना। तो मैं इसको आपको पूरा रैप करके दिखाती हूँ। हमने इसको इतना यहाँ तक रैप कर लिया है और बाकी भी हम इसे रैप कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए खुल गया इसमें फंस के, तो इसे पेस्ट करते रहिए बार बार, ठीक है। तो ऐसे ही हम 1 मीटर हम इस बैंगल के लिए लेंगे, 1 मीटर हम दूसरी वाली बैंगल के लिए ले लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में काफ़ी
काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक मिनट में दोनों बैंगल रैप हो जाए। तो अब हम इसके एंड पॉइंट पर पहुंच गए हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। हमें इसको कवर अप करना है ऐसे करके। हर काम सफाई से बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और कोई भी गंद होगा तो वो ना आपको अच्छा लगेगा और ना सामने वाले को। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ ऐसे, ये तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इसको पकड़े रखना है। अभी समझ नहीं आ रहा कैसे पकड़ें, है ना, बार बार हाथों से छूट रहा है। तो इसे हमें क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लेके, ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी, इतनी ग्लू लगानी है कि थोड़ी पीछे तक पहुँच जाए। देख सकते हैं इतनी ग्लू लगाई है मैंने। फिर इसको इधर पेस्ट कर देना ऐसे। फिर हमें सीज़र का यूज़ करके, भाई सीज़र लिया तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना, उसको कट कर दिया, ठीक है, सॉरी मैंने कट कर दिया और आप देख नहीं पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, कटिंग तो सबको ही आती है। कट करके जो ये हमारा ये बचा हुआ पोर्शन था, इसमें हमें इसे रैप कर देना है सफाई से। देख सकते हैं आप इसका अंदर अंदर का, कभी कभी ना मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। फैब्रिक ग्लू का यूज़ करके हमें इसको टाइटली खींच के पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर इसी को हम थोड़ा सा आगे तक लेके जाएंगे पेस्ट करके, ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा लगे, गंदा सा ना लगे, ठीक है। तो अब हमने इसे पेस्ट कर लिया। आप चाहें तो किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो मैं हमेशा ही कहती हूँ क्या ज़रूरत है हेल्प की, सीखना तो हमें अकेले ही है। तो ऐसे करके बैंगल्स पे और थ्रेड पे हम ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद इसको ऐसे खींचना है टाइट, ठीक है, खींच के से फैब्रिक ग्लू लगा देंगे, ठीक है। अब जब ये पेस्ट हो गया तो इसको एक बार और लगाएंगे, ठीक है, इसे कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको अभी आप इतना देख रहे हैं ना, इतना एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है ना भाई। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम कभी कभी ग्लू का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेन छूट जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसमें आप देख सकते हैं हमें स्टेन कहीं नहीं छोड़ना, किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आप कहेंगे कि मैं कह रही स्टेन नहीं छोड़ना और हमें इसके ऊपर कुंदन पेस्ट करना है। हाँ भाई, कुंदन अगर पेस्ट करना ही है तो हमें हर काम सफाई से तो करना ही होगा ना। तो मैं इसको आगे लेके आ जाती हूँ। तो ये अब इस पर हमें क्या करना है, हमें इस पर डिज़ाइन बनाना है कुंदन से। अब ग्लू आप थोड़ा लगाइए, मीडियम लगाइए, वो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा लगाइए वो आप जाने। अब मैं कह रही हूँ आप जाने, अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया और आपने सोचा कि इस पर भर भर के लगा देते हैं ताकि कुंदन निकले ही ना, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ये बहुत ही गलत बात है। तो आपको क्या करना है, इतनी इतनी ग्लू का यूज़ करना है, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। अगर आप एक ही लाइन में ग्लू लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो आप ये ग्लू कभी नहीं फैलेंगे। तो ये हमें आप क्या करना है, स्क्वायर वाला कुंदन लेना है, ठीक है, उसको सफाई से पेस्ट करना है। ग्लू आपके हाथों को टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें इसका जो आई शेप के कुंदन है उसका यूज़ करना है। आप चाहें तो ये अलग अलग शेप में भी आती है, अलग अलग कलर में भी आती है। देखिए मैं आपको पूरी पूरी वीडियो दिखाऊंगी इसकी।
चाहते हैं मैं लाइव सेशन में भी आपको सिखा दूँगी कुछ नया, मैं आपको कुछ नया सिखाने की सोच रही हूँ, तो मैं आपको कल की वीडियो में या फिर आने वाले किसी वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है, ये जहाँ तक हमने ग्लू लगाई थी वहाँ तक तो हमने इसको लगा दिया, तो अब हमें इसमें क्या करना है, फिर से ग्लू लगानी है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये लग गई। अब यही डिज़ाइन हमें आगे तक फॉलो करना है, लेकिन हमें सेंटर में इसे चेंज करना है। हम नहीं चाहते कि पूरी बैंगल का डिज़ाइन सेम हो जाए। आप कहेंगे ये तो बहुत ही मेहनत का काम है, अगर हमें कहीं जाना हो तो ये तो हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल। भाई क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अब हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो उसे तो सीखेंगे ही ना, तो हम इसे कुछ दिन पहले ही बना के रख लेंगे। और अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी काम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर काम में हमें पेशेंस चाहिए होता है। अब होता है ना शादी में जाना रहता है तो आराम से इत्मीनान से बैठ के हम मेकअप लगाते हैं, तो वही बात है, अब बैंगल्स को सीखेंगे तो इतनी जल्दी तो हमें कोई चीज़ आ नहीं जाएगी, तो इसलिए हमें काम को तसल्ली से करना पड़ेगा। तो हमने डिज़ाइन चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं ये यहाँ से आते आते हमने ऐसे कर दिया। अब यही वाला डिज़ाइन हमें यहाँ फॉलो करना है फिर से। हमने कितने स्टेप में किया था, 1 2 3, 3 स्क्वायर थी और 3 आई कुंदन थी। तो इसे हम फिर से ग्लू लगाते हैं, अब यहाँ लगाते हैं 1 2। अब आपके मैं तो काउंटिंग सिखाने लगी, नहीं भाई काउंटिंग थोड़ी ना सिखा रही हूँ मैं ये बता रही हूँ कि एक भी कुंदन एक्स्ट्रा ना हो जाए, वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमने 1 2 2 स्क्वायर हो गई और 3 हमारी ये हो गई, तो 1 हमारी स्क्वायर यहाँ लगी, तो 1 2 3 1 2 3। तो अब हमें सेम यही वाला डिज़ाइन फॉलो करना है, इसे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, अब हम यही वाला डिज़ाइन यहाँ पे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है इसमें। ये सारे मटेरियल आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई मटेरियल नहीं मिलता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, तो ये मैं आपको मंगा के आपके एड्रेस पे भिजवा दूँगी। ठीक है, क्योंकि आप चाहेंगे ना कि हमें चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े, तो ये उसी के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमें चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं। और मैं फ़िलहाल दिल्ली से हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा, तो मैं दिल्ली से हूँ। अगर कोई भी चीज़ आप मुझसे इससे रिलेटेड जो मैं सिखाती हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको मुझे मैसेज करते हैं तो मैं वहाँ आपको बता दूँगी कि कौन सी चीज़ कैसे मिलती है। मैं आपको जगह बता दूँगी, आप खुद ही वहाँ से मंगवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें मुझसे ही मंगवाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप वो कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, मैं खुद ही ये चीज़ें चांदनी चौक से मंगाती हूँ, चांदनी चौक की भी मार्केट तो हर जगह फेमस है, तो आप जानते ही होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बातें भी कर ली और ये डिज़ाइन बस कंप्लीट होने वाला है। तो इसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ सेंटर में तो छूट गया, ये कैसे छूट जाएगा, तो हम यहाँ पे इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू कर देंगे कुंदन पेस्ट करके। अब यहाँ गैप रह जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ हमें वो ज्वाइन करना है कलीरा, तो हम कलीरे को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जब ये सूख जाएगा, तो इसे सूखने में मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा प्रॉपरली अच्छे से सूखने में। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। आप कहेंगे तो बहुत ही गंदा लग रहा है भाई, नहीं ये गंदा नहीं लग रहा, जब ये सूख जाएगा ना, इसकी ग्लू अच्छे से सूख जाएगी, तो ये आपको ये देखने में बहुत प्यारा लगेगा। अगर आपका कहीं भी कोई भी स्टोन हल्का सा टेढ़ा है तो आप उसे सीधा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ग्लू सूखी नहीं है। ठीक है, तो
ऐसे ही नेक्स्ट डिज़ाइन है, तो वो अभी ये सूख जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। अब आप कहेंगे मैं इसको ऐसे नहीं रख सकती, नहीं आप इसको ऐसे नहीं रख सकते, आप चाहे तो सीज़र पे ऐसे रख के किसी भी चीज़ पे, इस पे कुछ भी रख के वज़न वाली चीज़ रख दें तो ये उससे ये ख़राब नहीं होगी और ये जल्दी आसानी से सूख जाएगी। तो मैं इसको फ़िलहाल चेयर पर रखूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। तो अगला डिज़ाइन में इसका बैंगल बनाऊंगी, दूसरी वाली बैंगल रेडी करूंगी। जब ये दोनों सूख जाएंगे तो मैं आपको इसमें कलीरें अटैच करके दिखाऊंगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये बैंगल्स जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये अच्छे से सूख चुकी है इसकी ग्लू, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कलीरें लगा के दिखाती हूँ। इन कलीरों को मैंने इसमें पैक कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था अगर हम कोई भी हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं तो उसकी पैकिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप पैक नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसे हम इसमें अटैच करना मैं आपको सिखा देती हूँ। इसकी मैंने आपको बैंगल भी सिखा दी। तो अब इसको अटैच कैसे करना है, अब ऐसे हम अटैच नहीं कर सकते, आप देख रहे हैं ना ऐसे कैसे अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अंदर से थ्रेड उठानी है, हमें अंदर से इसी से, क्योंकि हमने दो तीन लेयर लपेटा था इसमें थोड़ा मोटा ताकि इसका यूज़ हो सके। हम थोड़ा दूर तक जाएंगे, देखिए ऐसे हमने 6-7 थ्रेड लिए। अब हमें क्या करना है, हमें जिस साइड से स्पेस है सेंटर के अंदर हमें उसी साइड से इसे लेकर जाना है। तो ये हम बाहर की तरफ आ गए, आप देख सकते हैं बाहर की तरफ आ गए। तो हमें प्लायर की हेल्प चाहिए। अब ये प्लायर ले लिया हमने, हमेशा तो मैं हाथ से कर देती हूँ लेकिन यहाँ हमें हाथों का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हाथों में लग जाती है। तो हम इसे प्लायर की हेल्प से ऐसे प्रेस कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो हमने प्लायर की हेल्प से इसे अटैच कर रहे, इसे यहाँ पे अटैच कर दिया। तो मैं इसको इधर से इधर की तरफ लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो हमारी बैंगल हो गई तैयार, देख सकते हैं। अब ये कलीरा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, मैं दूसरी भी यही आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपके सामने। इसे हम ओपन करेंगे, अगर ये आपसे ओपन नहीं हो रहा तो इसे इसकी हेल्प से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद हमें वही तरीका फॉलो करना है, हमें इसे यहाँ लेके आना है। इसे इसमें टच, अगर ये आपसे नहीं हो रहा ना तो आप नीडल की भी हेल्प ले सकते हैं। हमने पहला तो कर लिया, ज़रूरी नहीं है हमेशा हमारी जीती हो, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है ना। तो हमने इसे बस अटैच कर ही लिया है, ये अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं जंप रिंग फंस गई इसमें। अब कलीरे को भी इसमें हम अटैच कर देते हैं। तरह हम 2-4 डिज़ाइन और भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस
पतली बैंगल के जगह थोड़ी मोटी बैंगल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर आप कुंदन से अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुंदन का इस्तेमाल करके आप चौड़ी वाली बैंगल, जैसे इतनी चौड़ी आपने बैंगल ले ली तो उस पर आप फ्लावर का डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर बर्फी डिज़ाइन आता है वो थोड़ा पुराना हो गया लेकिन बहुत प्यारा लगता है, स्क्वायर शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो कुंदन से कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा आपको समझ आता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हमारी हो गई कलीरें। हल्के, जिस ब्राइडल को हल्के अच्छे लगते हैं वो हल्के भी पहन सकते हैं, जैसे भारी अच्छे लगते हैं वो भारी पहन सकते हैं। मुझे तो सारी चीज़ें सिंपल ही पसंद है, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। तो कोशिश करें कि आप भी ऐसे ही इन चीज़ों को पहने और इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ देखने में सुंदर है तो वो पहनने के बाद भी आपको सुंदर ही लगेगी। कोई चीज़ होती है जो देखने में आपको बहुत ही बेकार फालतू लगती है, सबसे सुंदर वही लगती है, कमेंट भी सबसे ज़्यादा उसी में मिलते हैं। ये बात अगर आपने नोटिस की होगी तो आपको पता होगी, मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ऐसे नई नई चीज़ें सीखिए और लोगों को सिखाइए, क्योंकि सीखी हुई चीज़ हम जितना भी लोगों को सिखाते हैं उतने उतने नए नए डिज़ाइन हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं। जितना आप सिखाएंगे उतना नया नया आप सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कलीरे के नए नए डिज़ाइन के साथ।